नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएमटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। शाहपुरा थाना क्षेत्र में धर्म प्रमुख और गणमान्य नागरिकों की बैठक थाना प्रांगण में की गई, जिसमें थाना प्रभारी डीएसपी देव नारायण यादव द्वारा धर्म गुरुओं से अपील की गई कि वो भी अपने स्तर पर नगर में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए लोगों से अपील करें, लोगों को प्रेरित करें ताकि लॉकडाउन को सफल बनाया जा सके और इस कोरोना महामारी से बचा जा सके। साथ ही अपने मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि के संसाधनों के माध्यम से सभी लोगों को घर पर रहकर सुरक्षित रहने की अपील करने और बाहर से आ रहे व्यक्तियों की जानकारी, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, प्रशासन को देने हेतु सभी से चर्चा की गई। थाना शाहपुर से थाना प्रभारी परिवीक्षाधीन डीएसपी देवनारायण यादव, समस्त थाना शाहपुर के क्षेत्रवासियों से अपील करता हूँ कि समस्त लोग अपने घरों में रहें और घर के बाहर ना निकलें, मुंह पर मास्क लगा के रखें, साबुन से हाथ धोते रहें और कोई भी अत्यंत आवश्यक स्थिति में ही घर से बाहर निकलें। चूंकि आदरणीय कलेक्टर महोदय, आदरणीय एसपी महोदय और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा निर्देशित किया जा रहा है और जनता की जो आम समस्याओं को भी ध्यान में रखा जा रहा है कि उन लोगों को कोई समस्या ना आए, उन तक सभी प्रकार के राशन, किराना, फल, सब्जी, दूध की होम डिलीवरी उनके डोर टू डोर पहुँच जाए, उसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए विभिन्न प्रकार की अनुमतियां भी प्रशासन के द्वारा दी जा रही है ताकि पब्लिक को किसी प्रकार की समस्या ना आए। अब इसके लिए मैं समस्त थाना शाहपुर के क्षेत्रवासियों से अपील करता हूं कि सभी लोग घर में रहें और इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरा देश जो लगा हुआ है, पूरा शासन, प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, सभी हमले लगे हुए हैं, उसमें आप लोग सहयोग करें, मदद करें, क्योंकि हम किसी भी बीमारी को रोकने के लिए उसका जो उपचार से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम उसके लिए उसको हमारे पास आने ना दें और उसके लिए जितनी भी सावधानियां बताए जा रहे हैं बरतें हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे। सभी देशवासियों को, भक्तों को, शिष्यों को, सबको राधे राधे। इस समय जो संकट चल रहा है भारत देश के ऊपर, पूरे विश्व के ऊपर कोरोना वायरस का, इससे संबंधित कुछ अपने मन के विचार आपके बीच रखने के लिए मैं उपस्थित हुआ। आप उसे प्रेम से सुनिएगा। मैं पंडित अखिलेश परसाई, कथावाचक, निवासी शाहपुर, आप सभी से कोरोना वायरस के संबंध में ये निवेदन करना चाहता हूँ कि यह एक संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अतिशीघ्र फैल रहा है। कोई भी व्यक्ति इससे सुरक्षित जभी रह सकता है कि जब वह अपने घरों में ही रहे और अन्य संक्रमित स्थानों पर, अन्य संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने से वह बचता रहे। इस संबंध में मैं आप सभी से इस सहयोग से ही, चूंकि ये समाज सुरक्षित रह सकता है, इसलिए इस सहयोग की अपील करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस रोग से बचाव के लिए, जो इसका एक ही मात्र उपाय है कि किसी भी व्यक्ति से संपर्क में ना रहें, उससे डिस्टेंस बना करके अपने जीवन को जीते रहें। मैं इमाम जामा मस्जिद शाहपुर सभी आवाम से गुजारिश करता हूं कि जो ये बीमारी देश के अंदर फैल रही है, जो वायरस फैल रहा है, इस संबंध में मैं आपसे निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर ना निकले और घर से बाहर निकलते वक्त किसी ज़रूरत के वक्त में अपने मास्क का उपयोग करें और अपने हाथों को सैनिटाइज़र से 20 सेकंड तक के धोते रहे, साबुन से धोते रहे। और मस्जिद के अंदर अभी नमाज वगैरह सब बंद है, सभी लोग अपने घर में इबादत करें। जुमे की नमाज मस्जिद में नहीं होगी, आप सभी लोग अपने घर पर जुहर की नमाज़ अदा करें।